कर जला दी है, व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, या फिर घर में रखा हुआ धन होगा, 15 दिन के लिए वो छिन्न होगा, वो जाएगा, पैसा टिकने वाला नहीं 15 दिन तक, चाहे कुछ भी कर लो। मित्र खोल कर बोले, क्या क्या चाहिए बोलो। देखिए संबोधन, गरुण घंटी क्यों बजाई जाती है मंदिर में, घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटाल क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है मंदिर के अंदर, कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंकर के मंदिर में उस घंटी को क्यों बजाया जाता है, ताली का नाद क्यों करा जाता है, शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है? तो लिंग पुराण कहती है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुण घंटी जब बजाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है, मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तपी तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान पुण्य स्मरण हो रहे होते हैं, उस समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं, मात्र घंटी का नाद कर देने। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है, ताली का नाद शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है, उसका कारण उस मंदिर में जितने बैठे होंगे, जो भजन कर रहा, तप कर रहा, साधना कर रहा, अभिषेक कर रहा, पूजन कर रहा, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का पुण्य हमारे खाते में 1 सेकंड में आ गया, और हमें लगता है हम शंकर को रिझाया, शंकर को रिझाया शिव ने तुरंत दे दिया। घर में गरुण घंटी का नाद करना, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती, गरुण घंटी कोई खेलने के लिए नहीं देता, खिलौने दे देंगे, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुण घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुण घंटी का जब नाद करा जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। कोई साधारण घंटी बजाना पूजन के समय पर, स्मरण के समय पर, भजन के, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती, समय समय पर। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ ना तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसा नहीं कि तुम लेट बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ, ऐसा ही नहीं कि लटकी है तो बजाए जाओ, का मतलब वो घंटी को बजाने के लिए आएगी, नहीं, उसका एक समय, उसका एक संबोधन, उसका एक आनंद। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, तो भी लोग घंटी बजा देते हैं, दोष दोष। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं, लिखा हुआ है मंदिर के खुलने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक मंदिर बंद है, तो घंटी नहीं बजना चाहिए। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे बजे ना। क्यों? कहते हैं अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रावश हैं, या पट बंद है, उस समय पट बंद का समय है, और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है जीव को, मात्र घंटी बजा देने पर, अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान विश्राम अवस्था में है, पट बंद है, दरवाजा बंद है, और लिखा हुआ है समय, मंदिर खुलने का समय 11 बजे से 3 बजे तक, मंदिर बंद होने का समय 3 बजे से 3 बजे तक, और उस बीच में तुमने तो देख लिया कि पट बंद है, तुम तो आ गए, तुमने तो मन में सोचा हम तो इंदौर से आए, हम तो भोपाल से आए, हम तो वहां से आए, हम तो वहां से आए, और भगवान का मंदिर बंद है तो क्या हुआ, हम तो घंटी तो बजाएंगे, तो बजा ले जा। 11 ब्राह्मण भूखे रहने का दोष तुम्हारे खाते में। कितना सुंदर कहा है, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ी हुई वापिस चढ़ सकती है, पर किसी भी देवता पर कोई फूल पुष्प आपने चढ़ाया, कोई पुष्प आपने चढ़ाया, ठंड का समय है या बारिश का समय है, पुष्प जो चढ़ाया हो सकता है कि मुरझाया नहीं हो, होता है ना ऐसा कभी कभी कि पुष्प मुरझाया नहीं हो, या उसमें ताजगी हो, सुंदर दिख रहा हो, बहुत अच्छा हो, और वो पुष्प चढ़ा हुआ तुमने अगर एक बार उठा लिया, उतर गया, उतरने के बाद फूल कितना भी सुंदर हो, फूल कितना भी ताजा दिखे, पर वो देवता को समर्पित नहीं हो सकता, भले उसमें सुंदरता है। ठंड के दिनों में कई फूल ऐसे भी रहते हैं, भगवान के सामने आपने एक बार चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद वो रखे रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ताजे से दिख रहा है, तो कई माताओं की आदत रहती है उन्हीं फूल से वापिस श्रृंगार कर देती, या उन पुष्प की रंगोली बनाकर भगवान के सामने डाल देती है,
पर वो गलत है, वो गलत है। जिस दिए में बाती लगी हुई है, बाती पूरी जल चुकी है, उसकी राख या उसका काला थोड़ा सा भाग दिए के अंदर रखा है और आपने दूसरी बाती रखकर उसको जला दिया, तो वो जलाया गया जो भाग है लक्ष्मी को छिन्न कर देता। 15 दिन तक व्यापार ठीक नहीं चल सकता। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो, दिए के अंदर अगर कोई बाती जल गई, जलने के बाद ठंडी हो गई, ठंडी होकर उसमें राख पड़ी हुई है, या उसके अंदर कोई काला सा आप गोल बत्ती लगाते तो काला का एक भाग काला काला सा जला हुआ उसके अंदर रह जाता है। कई लोगों की आदत रहती है कि अभी शाम का टाइम तो है, उसको कौन हटाए, उसी में अपन दूसरी बत्ती रख दो, जला दो, उसी में रखकर दूसरी बत्ती जला दो, भाग उसी में पड़ा हुआ है पुराना, और आपने दूसरी बत्ती अगर रखकर जला दी है, व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, या फिर घर में रखा हुआ धन होगा, 15 दिन के लिए वो छिन्न होगा, वो जाएगा, पैसा टिकने वाला नहीं 15 दिन तक, चाहे कुछ भी कर लो ठीक नहीं चल सकता व्यापार। तुम कितना भी दम लगा लो, कई लोग कहते भी होंगे कि हमारी दुकान तो 8 दिन तो अच्छी चलती, 8 दिन के बाद नहीने क्या हो जाता, 15 दिन अच्छी चलती, 15 दिन के बाद ना जाने क्या हो जाता, तो उसमें गलती ढूंढो कि हम गलती क्या कर रहे हैं, तो व्यापार तो अच्छा चल रहा है, ग्राहक भी आ रहे हैं, सब कुछ होता है। जब 15 दिन ग्राहक आते हैं तो 15 दिन क्यों नहीं आते, 8 दिन ग्राहक आते हैं तो 8 दिन क्यों नहीं आते, उसके पीछे तुम्हारा कोई कारण होगा। फिर अपनी गलती को ढूंढो कि हमारी गलती क्या हो। तो उसमें आपको वर्णन किया था कि भगवान की बेलपत्री, भगवान का प्रसाद अगर पलंग पर रखा है तो दोषपूर्ण है। वो दोषपूर्ण है। अब बाबा ने पूछ लिया इंद्र, मैंने माला आपको दी थी, वो माला कहाँ है? इंद्र कहते मैंने तो एरावत को दे दी थी। एरावत से पूछा वो कहाँ है? मैंने तो अपनी मस्ती में फेंक दी, पांव के नीचे आ रही है। मैं तुझे श्राप देता हूं इंद्र, तो तेरी सत्ता के विमुख होगा। जितना तुझे तेरी सत्ता से प्रेम है, इंद्र तुझे अपना सिंहासन प्रिय है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा वो सिंहासन तेरा छूट जाएगा। माला का अंतर देखिए, जिस माला को आप लेकर बड़े खुश होते हो, वो माला अगर सही जगह नहीं जाती, जिस भगवान की बेलपत्री को लेकर आप खुश होते हो वो बेलपत्री सही जगह नहीं जाती, जिस प्रसाद को लेकर आप खुश होते हो वो प्रसाद अगर सही जगह नहीं जाता तो उसका उसका फल क्या भोगना पड़ता है वो देखिएगा। एक कथा आपको सुनाते हैं, वो कथा नहीं है, हमारे जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण। भवानी मंडी में भवर लाल जी शर्मा रहते हैं, शायद वो कथा सुन रहे होंगे, वो कथा सुन रहे होंगे, ये मुझे विश्वास है। उनका नियम था, हर महीने वो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते थे, और हमारा भी नियम था, हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा हर महीने करने जाते थे। कई बार ऐसा योग बन जाता था कि वो परिक्रमा पे, हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई जान नहीं है, ये भवरलाल जी का नाम हमको तो बाद में मालूम पड़ा कि ये भवानी मंडी के रहने वाले, वो भी पूछा उनसे, वो भी रो रहे थे तब पूछा गया। ये हकीकत की कथा, ये कोई कथा किसी पुस्तक से नहीं है, ये प्रमाणिकता। और उनका नियम था, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते लगाते भगवान को शाम के समय पर, वो बाबा को राजभोग धराते गिराता था। खूब भगवान की सत्ता थी, खूब वैभव था, खूब पैसा था। जितनी बार आते वो आधा पीपा का, एक पीपा का, आधी बोरी का, एक बोरी का, वहां बोरी से राजभोग होता है गिराती में, तो वो भोग लगा देते, ठोर मोहन थाल लड्डू सब करते। अब धीरे धीरे बहुत उनका वैभव, बहुत पैसा था भवरलाल जी के यहाँ, काम भी अच्छा था उनका, शायद पत्थर मत्थर का कोई काम था तो अच्छा। 6 महीना 8 महीना लगातार परिक्रमा उन्हें हर महीने करी, हम भी जाते रहे परिक्रमा, हमने भी घड़ी करी, तो धीरे धीरे व्यापार उनका थोड़ा कम हुआ।
जो उनका पत्थर का काम था वो धीरे धीरे एक जगह का कहीं बंद हो गया, दूसरी जगह का भी बंद हो गया, तीसरी जगह का भी बंद हो गया, बड़े दुखी हो गए। पूंछरी के लोटे के पहले मुकुट शिला थी, उस मुकुट शिला पर हम बैठे हुए थे और ये भैया निकल कर जा रहे थे और आज ये दोनों पति पत्नी की आंख में आंसू भरे हुए थे। परिक्रमा करते करते अब मुख से निकल गया, भैया आप कौन हो, क्यों रो रहे हो? और वो भी गिरिराज दादा की शरण में रो रहे। जब व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है, भोलेनाथ की शरण में रहता है, ठाकुर की शरण में रहता है, मेरे कृष्ण की शरण में रहता है, मेरे गोवर्धन नाथ जी की शरण में रहता है, मेरे राम की शरण में रहता है, तो उसकी आंख में तो आंसू आना ही नहीं चाहिए, फिर आप क्यों रो रहे? अरे महाराज, धोती तो पहने ही थे हम। तो कहा, अरे महाराज, बहुत पहले की बात है, लगभग हो गए होंगे 8-10 साल, आज याद आई है तो बता दें। अरे महाराज, बड़े दुखी हैं, क्या हो गया? हर महीने आते हैं, बाबा बहुत सुनता था, खूब वैभव था, परंतु अब कुछ बचा नहीं है, अब तो भगवान को हम भोग भी नहीं लगा पा रहे, वो स्थिति, फिर भी हम लगाते तो हैं थोड़ा बहुत जो बन जाता। हमने कहा कुछ नहीं, गिरिराज बाबा से विनती करो, ऐसी दशा क्यों लाकर छोड़ दी? दुख दिया है आपने तो सुख भी तो आप दोगे, आप विनती करो बाबा से कि ऐसा समय क्यों लाए हो, ये समय आखिर किस लिए आया? महाराज, विनती तो हम हर बार आते हैं, हर बार करके जाते हैं, पहले परिवार समेत आते थे, अब तो दोनों आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमने देखा है आपको 2-3 बार, आप 2-4 बार परिक्रमा में दिखे हैं, दूध चढ़ाते, भोग लगाते, पर ये दशा क्यों? चल दिया हमारे साथ में, हम भी साथ में चलते चलते पूंछरी के लोटे के अंदर वाले रास्ते से निकलते निकलते जतिपुरा पहुंच रहे हैं, तो उनसे बात करी, क्या करते हो आप यहाँ आते हो? तो हम बढ़िया भगवान सुबह ट्रेन से उतरते हैं, बढ़िया नहा धो के होटल आदि में और भगवान की परिक्रमा करते हैं, दूध वगैरह चढ़ाना है, पूजन करना है, अर्चना करना है, अंग वस्त्र वगैरह सब पहना के शाम के समय बाबा का कुंभवर्णा कर दूसरे दिन हम निकल जाते हैं। अच्छा, बस अब इसमें क्या गलती हो रही है ये पता नहीं है, वो गलती कौन सी है? स्कंद पुराण में एक चीज बहुत पहले पड़ी हुई थी, बेलपत्री हो, प्रसाद हो, माला हो, इसका जब अपमान होता है तो व्यक्ति को रोना पड़ता है, ये स्कंद पुराण कहता है।